हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन एकेडमी। मेरा नाम अदिति शर्मा है और आप सभी लोगों के लिए हर सुबह लेके आते हैं सुबह 7 बजे इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आज भी आप लोगों के लिए इस वीक के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ। सो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। एक बार मुझे ये भी आप लोग चेक करा दीजिए, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा ये सेशन। गुड मॉर्निंग अर्पिता, गुड मॉर्निंग क्रिश, सौम्या, यूजर सीसी, राज भाई, सब दिख तो रहे हैं मुझे। एक बार मुझे आप बताइए कि क्या मेरा एवी एकदम क्लियर है, तो शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मेरा नाम अदिति शर्मा है और रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है गाइस। अगर अनअकैडमी पर आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तक का ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसमें 6th से लेकर 12th और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 60+ डोमेन के अंदर आप लोगों के कोर्सेज आते हैं। चाहे आप लोगों की डेली लाइफ क्लासेस के बारे में बात की जाए, चाहे प्रैक्टिस करनी हो, रिविजन्स करना हो, आप रोज अपना कितना आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखा है इसे जज कर सकते हो और बहुत आसानी से जज कर सकते हो। रोज आप लोगों को पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, ग्राफ फॉर्मेट के अंदर पता चलता है कि कल की आपकी ग्रोथ कितनी थी, आज की आपकी ग्रोथ कितनी है, कैसा आप लोगों का स्ट्रक्चर बन रहा है। सो दैट जब डेली हम लोगों को ये चीज़ें डिस्कवर करते हैं हम अपने बारे में, तो कुछ नया सीखते हैं और कुछ बेहतर सीखते हैं कल के अंदर, राइट? अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जब भी आपका मन चाहता है आप क्लासेस देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं। तो अगर लाइव नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डेड ले लिया करो और वो हमेशा आपके पास रहती है। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाती है गाइस। तो अगर आप लोग किसी भी 60+ कैटेगरी के अंदर तैयारी कर रहे हो तो रेफरल कोड अदिति 10 के साथ में आज ही अपनी जर्नी अपन एकेडमी के साथ में शुरू कर सकते हैं गाइस। चाहे आप लोगों का प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे आइकॉनिक, दोनों ही बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ आपके सामने आते हैं। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है, क्या एक्स्ट्रा स्पेशल है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छा ऑफर अभी चल रहा है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप लोगों को 60+ 10% ऑफ पर मिल रहा है। 60% अन एकेडमी की तरफ से है और 10% आपको मिलता है रेफरल कोड जो अदिति 10 से यूज करके आपको 12 महीने का प्लान 12,000 का, पेपर 1, पेपर 2, उसके सारे मॉक टेस्ट, सारे के सारे रिविजन पीडीएफ, सब कुछ आप लोगों को एक ही प्लान में मिल जाएगा गाइस। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोग अभी अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है तो जल्दी शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो मुझे लगता है कि अभी से ही आपको अपनी पीएचडी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। और सबसे अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए ये होता है कि आपको पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर जो है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के समय ही मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो वही देता है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अनअकैडमी की तरफ से आपको पूरा बंडल कोर्स मिल जाएगा, सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो 12 महीने का अगर आप लोग लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो मुझे लगता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। वैसे भी अभी कोविड पीरियड चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और सोचना चाहिए अभी, या ऑफलाइन कोचिंग्स में अभी इन्वेस्ट भी करना चाहिए। पेपर 1 के बहुत सारे बैच कोर्सेज है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गाइस 7th अप्रैल से, अपने आप इसे ज्वाइन करिए। पेपर 1 और पेपर 2, इरिस्पेक्टिव कोई भी पेपर 2 हो आपका, जैसे मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है तो मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ, पर बाकी सारे एजुकेटर्स हैं जो 36+ सब्जेक्ट्स है पेपर 2 के, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है गाइस। ये मेरा पूरा स्केड्यूल है कब मैं क्या पढ़ाती हूँ, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये मेरा प्रोफाइल अन अकेडमी पर, अगर अभी आप फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पे चले जाइए, मेरा ही प्रोफाइल आप लोगों को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप सभी लोग अब जल्दी से शेयर कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को देखो क्या बोल रहा है, आप लोगों के लिए बोल रहा है कि नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हु लॉन्च द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म न्यू दिल्ली के अंदर वर्चुअली गाइज। IHIP, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल इनिशिएटिव है। ये प्लेटफॉर्म है जो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। तो आपको यही पूछ रही हूँ कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फैमिली वेलफेयर है उसमें अभी कौन मिनिस्टर है।
नितिन कटगरी, रमेश पोखरियाल, महेंद्र नाथ पांडे या फिर हर्षवर्धन? आंसर इसका बहुत सिंपल है, हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर होगा। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, किसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, कि ये IHIP क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो गाइज ये क्या है, ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो किसका काम करता है, आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक नेक्स्ट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन है ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम का। ठीक है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई प्रॉब्लम अगर पहले पता लग जाए तो सॉल्यूशन अपने आप लोगों को मिल जाता है, तो ये उसी के बारे में यहाँ पर काम कर रहेगा। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री गाइस दुनिया के अंदर जिसके पास में इतना एडवांस डिजीज सर्विलियंस सिस्टम होने वाला है। इसका जो न्यू वर्जन होगा उसके अंदर हम डेटा एंट्री को भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट होगा इसका, और इसका कंप्लीट ध्यान रखा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। ठीक है, 33 डिजीजेस हैं जो अभी तक यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। पहले 18 डिजीजेस के साथ था, बट अब 33 डिजीजेस हैं जिनको अगर आप लोग सर्विलियंस करना चाहते हैं जिसका, तो डिजिटल मोड के ऊपर नियर रियल टाइम डेटा आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है ना, तो किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंडियन रेलवेज है गाइस, रिसेंटली उन्होंने कंप्लीट किया आर्क क्लोजर ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज। बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है ये ब्रिज, आपको मुझे बताना है कि कहां पर है ये ब्रिज। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख? चेनाब ब्रिज, अभी इंडियन रेलवेज ने इसे कंप्लीट किया है। इस वर्ल्ड का हाईएस्ट हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, तो कहां पर होने वाला है? गाइस जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उधमपुर से श्रीनगर और वहां से बारामूला। ठीक है ना, ये तीनों नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट्स में से है ये। तो ये जो आपका ब्रिज है गाइस, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली इसे कंप्लीट किया, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, चेनाब इसका नाम रखा गया है, और चेनाब आप जानते हो रिवर का नाम भी है। जम्मू एंड कश्मीर लिंक प्रोजेक्ट जो है, उधमपुर से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला। ठीक है ना, तो चेनाब ब्रिज जो है वो लोकेटेड है आपका कहाँ पर? रईसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 359 मीटर्स का ये ब्रिज है, और ये ब्रिज आपकी कश्मीर वैली की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। अराउंड 1486 करोड़ का खर्चा जो है वो हमारी सरकार ने किया है यहाँ पर कश्मीर वैली की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बातें आ जाती है कि चेनाब ब्रिज किसे कनेक्ट कर रहा है और कहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है ना, इसके इंटरनल डिटेल्स तो नहीं पूछेगा आप लोगों से कि कहाँ पर हुआ था, कैसा हुआ था, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है ना, इंडियन रेलवेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1853 से 16th of April 1853 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली के अंदर है, बट जैसा आप लोग जानते हो ना कि बहुत अलग अलग क्वार्टर्स हैं, रीजनल ऑफिसेज होती हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, बट स्टिल हेडक्वार्टर्स आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बट ये याद रखेंगे कि चेनाब ब्रिज और इसकी कितनी साइज है, मतलब क्या हाइट है इसकी, तो 359 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है गाइस। चलिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों से ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है आप लोगों से कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है गाइस? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? अरे वाह पूजा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए आंसर दीजिए मुझे, इसी बात पे आप शेयर हो जाए वीडियो को, और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। आज आप लोगों के लिए मैंने दो स्पेशल क्लासेस रखी है। पहली स्पेशल क्लास होगी आप लोगों की अभी 8 AM, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ ICT के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक क्लास जो है वो मैं रखूंगी गाइस 5 PM मोस्ट प्रोबेबली, है ना। टाइम चेंज होगा तो बता दूंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली 5 PM रखेंगे, जिसमें टाइम मैनेजमेंट इश्यू के बारे में बात करूंगी, और साथ ही साथ आप लोगों से बात करूंगी कि कितने मार्क्स आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर लाने। तो एक स्ट्रैटेजिक वीडियो है, और आप लोगों से भी डिस्कस करूंगी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को आती है ना। जो भी आप लोगों के डाउट है वो मैं जरूर लेने की कोशिश यहाँ पर करने वाली हूँ, ठीक है। आचल आप लोग, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैम सुबह की क्लास नहीं हुई थी, रात की क्लास नहीं हुई थी, आप लोग जब क्लासेस देखते क्यों नहीं हो? जिस दिन जो क्लास नहीं होनी होगी उसके लिए मैं अनाउंस करूंगी, ठीक है ना। कल 8 PM वाली क्लास भी हुई थी, सारी क्लासेस हुई थी, जरा चैनल पे जाके देखा करो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ए गाइस, ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है आपका वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो हमारे कंट्री के अंदर हो रहे हैं उनको ध्यान रखने के लिए, उनको कॉम्बैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN, इसका 10th एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है उसकी मीटिंग कौन सी कंट्री में हुई थी? अभी रिसेंटली हुई थी ये, तो बताइए मुझे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की अभी रिसेंटली एशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप, एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसकी मीटिंग कौन सी कंट्री में हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस मलेशिया, है ना। तो आपका ये जो ASESG ग्रुप है, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये अभी रिसेंटली हुई थी गाइस कहां पर? मलेशिया के अंदर, ठीक है। IUCN जो है उसका एक ग्लोबल नेटवर्क है गाइस, जो कि साइंटिस्ट और नॉन साइंटिस्ट सभी लोगों के साथ में मिलके स्टडी, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का काम करता है, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स, जो कि आप भी जानते हो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा स्पेशल माने जाते हैं, है ना। इनका टेक्निकल नेम अगर आप लोगों से पूछे तो एलिफास मैक्सिमस, ये जो है ये इसका क्या है? बायोलॉजिकल नेम है, ये भी पूछ लेता है। एम क्या है? लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन देखना इनका यहाँ पर, और साथ ही साथ इनकी पॉपुलेशन को वायबल लेवल्स तक रिकवरी प्रोवाइड करना, इनके स्टडी करना, इनकी पॉपुलेशन को स्टडी करना, मॉनिटर करना, मैनेजमेंट करना, इनका ये सारा काम यहाँ पर किया जाता है। इंटीग्रल पार्ट है ये IUCN की SSC का, यानी स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो है उसका एक स्पेशल और इंटीग्रल पार्ट है गाइस ये एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का गाइस, एक और क्वेश्चन है जो कि आपके डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड है। डैश इज डेवलप्ड एन एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी, है ना, शेफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप्स अगेंस्ट एनिमी मिसाइल अटैक। DRDO, DISA, DEO या फिर DAI क्या होने वाला है? देखो करेक्ट आंसर इसका DRDO ही होने वाला है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है,
और डीआरडीओ है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है गाइस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये रिसेंटली हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। ट्रिफ्ट, TRIFED, ट्रिफ्ट जो है गाइस वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एक लॉन्चिंग इन्होंने करी है, एक डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है, संकल्प से सिद्धि। ये जो है ये विलेज और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव जो है उसे कितने दिन के लिए लिया गया है? 100 days, 120 days, 150 days या फिर 200 days? देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 days इसका आंसर दे रहे हैं, है ना। हंड्रेड डेज आप इसका आंसर दे रहे हो और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए बात ऐसी है कि जो ये आपकी ट्रिफ्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, उन्होंने संकल्प से सिद्धि विलेज और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लिया है जो कि क्या है, एक 100 day ड्राइव है। बिल्कुल सही बात है, जो 150 teams के साथ में आने वाला है, 10 villages ईच ये लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से विजिट करने वाले हैं। मेन एम क्या है इसका, वन धन विकास केंद्र जो है इन विलेजेस के अंदर एक्टिवेट करना। ठीक है ना, ये विलेजेस का जो रीजन है अराउंड वो 1500 villages हमारी कंट्री के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हर 100 दिन के अंदर ये स्कीम लगाई जाएगी जिसमें विजिटिंग टीम्स जो आएंगी वो वन धन विकास केंद्र को क्या करने वाली है, शॉर्टलिस्ट करने वाली है, उनका एक क्लस्टरिंग करने वाली है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स, है ना। और उससे क्या होगा, उसे इनको बहुत फायदा मिलने वाला है, है ना। जो आपकी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनका एम क्या है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी इनकम को अच्छे से इम्प्रोवाइज करना, बेटर यूटिलाइजेशन के साथ में काम करना, जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड कलेक्शंस होते हैं उनको गैदर करना, फॉरेस्ट को गैदर करना, ये सारा काम यहाँ पर होने वाला है। संकल्प से सिद्धि जो कि एक तरीके की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है ट्राइबल इको सिस्टम अक्रॉस द कंट्री के अंदर। ठीक है, याद रहेगा 1987 के अंदर जो ट्रिफ्ट ट्राइबल फुल फॉर्म भी पूछ ले तो देखिए फुल फॉर्म भी यहाँ लिख दिए मैंने, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था, फाउंड किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है गाइस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से, आपसे पूछ रहा है कि होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र जो है उन्होंने गाइस अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टेड सीबीआई को रिजाइन दिया है टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट हिम। कौन है होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना इस्तीफा दिया है? अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में रहे थे ये। और क्या है, कौन है ये, अनिल देशमुख गाइस, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख है, जिनके अकॉर्डिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी सीबीआई उन्होंने बेसिकली करप्शन एलिगेशन लगाए हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इनका रेजिग्नेशन ले लिया है गाइस। ठीक है ना, तो ये करप्शन एलिगेशन जो है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये पूछेगा तो नहीं बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार में बहुत कुछ हो रहा है भाई और अनिल देशमुख जी जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दिया है। चल ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, जो आपकी एमओएस है ठीक है ना, उन्होंने एजुकेशन के लिए संजय धोत्रे को अटेंड किया गाइस फॉर द कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ E9 countries। E9 countries क्या है इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है और E9 countries के अंदर कौन मेंबर नहीं है ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। जल्दी से मुझे बताइए कि MOS क्या है इसके अंदर, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि MOS क्या है। MOS ने
मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? संजय धोत्रे जी हैं जिनको अटेंड किया है गाइस अभी रिसेंटली, E9 कंट्रीज के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक कंसल्टेशन मीटिंग रखी गई है। E9 कंट्रीज के अंदर कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है ये तो आपका सवाल है, और क्या है ये सारी खेल, इससे के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बोला मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ये, साइंस बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के लिए है एस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है जिसने गाइज एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन में संजय धोत्रे जी, इन्हें साइन किया गया है गाइज, अटेंड करना है इनको एक कंसल्टेशन मीटिंग E9 कंट्रीज को। देखो E9 इनिशिएटिव जो है ना वो डिजिटल लर्निंग को स्केल अप करने का काम करने वाला है गाइज, ठीक है ना, किसे, डिजिटल लर्निंग को एक्सेलरेट करने का काम करने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अकॉर्डिंग। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थंबनेल पे दिया था, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा जो 4 है जो एजुकेशन सिस्टम से ही लीड करता है और नए नए इनोवेशन इन एजुकेशन उसके ऊपर बात करता है। आज का समय कैसा है गाइस, डिजिटल लर्निंग का है। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे हो, है ना, और आने वाला समय भी इसी का है। आगे आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाना है, अगर आप लोगों का यूजीसी नेट ड्रीम है तो आप भी आगे जाके ऐसे ही पढ़ाने वाले हो। इसीलिए कहती हूँ कि ICT जैसा सब्जेक्ट या फिर कम्युनिकेशन जैसा सब्जेक्ट, अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, आप इन्हें छोड़ने वाले हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट जो पिछले एक साल में मैंने आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो आपके फ्यूचर में सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से ICT की गाइस, तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ही आती है ये सारी चीजें। डिजिटल लर्निंग को किस तरीके से एक्सेलरेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है, जो बेसिकली रैपिड चेंजेस जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है उसे ध्यान रखना, उसे उसकी रिकवरी लेके जाना, उसके एडवांसमेंट पर काम करना, ये सारा काम है जो आपका E9 इनिशिएटिव के अंदर किया जाएगा, है ना। 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग प्रायोरिटीज जो थी उसके अंदर 3 पहलू डिस्कस किए गए थे, उसमें से एक ये था गाइस E9 का फॉर्मेशन, ठीक है ना। इनकी प्रायोरिटीज होगी कि ये टीचर्स को सपोर्ट करे, इन्वेस्टमेंट करे इन स्किल्स, नैरोइंग करे डिजिटल डिवाइड को, ये सारे काम यहाँ पर किए जाने वाले हैं। E9 एक फोरम है 9 कंट्रीज का जो एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्स के अंडर काम करता है, यूनेस्को के अंडर आता है ये, ठीक है गाइस। एजुकेशन में जो E9 जो है उसके अंदर E स्टैंड करता है एजुकेशन के लिए, वेरी सिंपल, और 9 रिप्रेजेंट करता है इसके 9 मेंबर कंट्रीज। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है इंपॉर्टेंट है, तो देखिए गाइस लिस्ट याद रखनी है, ब्राजील है, बांग्लादेश है, चाइना है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, मेक्सिको है और नाइजीरिया है। तो अगर आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछूं कि कौन पार्ट नहीं है, तो श्रीलंका इसका पार्ट नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो D ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों आप लोगों से नॉट अ मेंबर पूछा गया था, तो कौन मेंबर नहीं है, श्रीलंका मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ब्राजील, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान और मेक्सिको, नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि जो आपकी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया है जो किस मिनिस्ट्री के अंडर गाइज, उन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है विद UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, के साथ में इन्होंने एक MOU साइन किया है गाइस, जो क्या करने वाला है, जो हमारा लैब है जो डेवलपमेंट लैब है उसको एक्सेलरेट किया जाए, ब्लॉकचेन पावर्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पीशीज, सॉरी स्पाइसेस। अब इसकी जो भी शॉर्ट ट्रिक बनानी है आप लोग देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, मैं हर चीज के शॉर्ट ट्रिक बताने में बिलीव नहीं करती हूं, क्योंकि फिर आप वो रटना शुरू कर देते हो, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चीजें याद रहे आप उसको कर लीजिए, ठीक है। डिजिटल लर्निंग की बात कर रही है और चाइना और जापान जैसी कंट्रीज को हम नहीं छोड़ सकते। थैंक यू सो मच एंड एंटरप्रेन्योर्स डेस्क मैम, आप नेक्स्ट इंडियन बिलियनियर बनेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद इस तरीके से बना रहा तो जरूर, पर मेरे सपने बिलियनियर बनने के नहीं है, कुछ और सपने हैं। चलिए, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि इन्होंने अभी MOU जो साइन किया है UNDP के साथ में, ब्लॉकचेन पावर ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस, ये भी डिजिटल इनिशिएटिव के अंडर आएगा गाइस, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये, बहुत ही बढ़िया,
क्योंकि स्पाइसेस की बात कर दी तो फूड प्रोसेसिंग आप लोग इंडस्ट्रीज में चले गए, जो कि गलत आंसर है। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया जो किसके अंडर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इन्होंने आपके लिए गाइस एक एमओयू साइन किया है यूएनडीपी के इंडियास एक्सेलरेटरी लैब के साथ में, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक तरीके की टेक्नोलॉजी होती है गाइस, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चीजों को ट्रेस करना, राइट? तो ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस जो है इंडियन स्पीसीज स्पाइसेस के, उनको एनहेंस करने का काम यहां पर करेंगे, सो दैट ट्रेडिंग के अंदर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। ठीक है ना, आपको भी पता है कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ये जिनको हम लोग बोलते हैं ना बिचौलिए, जो पैसा खा जाते हैं बीच के अंदर, उनको दूर रखने के लिए इस तरीके के जो एमओयूज है वो साइन किए जाते हैं गाइस। ठीक है ना, 2021 में आने वाले आपके एग्जाम के आसपास ही ये क्या होगा, इंटरफेस कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगा, इसकी डिजाइन तैयार हो जाएगी। 3000 फार्मर्स हैं जो यहाँ पर एंगेज कर रहे हैं गाइस। ठीक है ना, पायलट प्रोजेक्ट जो किया था आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पर चिली फार्मिंग के लिए जो है 3000 से ज्यादा फार्मर्स थे। ठीक है, ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑन एन ओपन एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया 1987 के अंदर गाइस इसे फाउंड किया गया था फरवरी के अंदर। हेडक्वार्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोची के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो थंगपन जो है वो कौन है, इसके चेयरमैन है। ठीक है ना, बट नाम याद रख लीजिएगा हेडक्वार्टर का, पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है, और किसके अंडर आता है ये भी, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि स्पाइसेस लिखा है तो फूड से रिलेटेड होगा या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ये किससे रिलेटेड है, कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है गाइस। ठीक है ना, ट्रेडिंग की बात यहाँ पर चल रही है। चलिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ आपके लिए क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, कुछ नया हम लोगों ने सीखा होगा। करंट अफेयर ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं, डोमेन बताने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे से इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए अब सुबह का समय जो है वो पेपर 2 के कंप्यूटर साइंस के रिविजन के लिए शुरू कर दूंगी गाइस, है ना। तो 10 दिन के काउंटडाउन सीरीज कंप्यूटर साइंस के लिए भी लगाएंगे। रात को 8 बजे ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों की चली रही है, कल स्पेशल गेस्ट के तौर पर कृतिका मैम को बुलाया था। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस, टॉप 500 क्वेश्चंस लाके हम लोग मेहनत करते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे सैटरडे पे छुट्टी मार के बैठे हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि 8 PM आप लोगों के लिए ICT अभ्यास, सॉरी 8 AM अभी इसके नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी अभ्यास क्लास है ICT की, स्पेशल क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन कराऊंगी 50 मिनट के अंदर, जिसमें पूरा ICT रिवाइज करने की हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो 8 AM मिलेगा मुझसे स्पेशल क्लास के अंदर, कमेंट के अंदर भी पिन करवा दूंगी, साथ ही साथ